श्री अमरनाथ यात्रा दो दिन के व्यवधान के बाद आज सोमवार से बहाल कर दी गई। जम्मू आधार शिविर भगवती नगर से श्रद्धालुओं का जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। जम्मू से दो दिन के बाद यह जत्था रवाना हुआ। वहीं जम्मू से रवाना हुए श्रद्धालुओं ने कहा कि हम ऊर्जा से भरे हुए हैं। शिव भक्तों का कहना था कि वे बाबा के दर्शन के बिना वापस नहीं जाएंगे। बम बम भोले के जय घोष के बीच ये श्रद्धालु आज जम्मू से रवाना हुए। गौरतलब है कि शुक्रवार को बादल फटने के बाद ये यात्रा रोक दी गई थी। इसमें 16 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 41 के करीब अभी भी लापता हैं। शैलेंद्र यादव जी, उत्तर प्रदेश से हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जी? मैं कहना चाहूँगा, मेरे को चार दिनों यहाँ आए, मेरे को कोई कमी नहीं हुई, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, अच्छा खासा मेरा यहाँ पर आज मेरा यात्रा है, आज हम जा रहे हैं। हाँ जी, पूरा जोश है जी, फुल जोश। शंकर जी की रजा में राजी रहना चाहिए सबको, सबको सबर रखना चाहिए उसकी रजा में और आर्मी के साथ मिलकर चलना चाहिए। बड़ा हादसा हुआ, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? उसका बड़ा दुख है जी, दुख है बहुत ज्यादा उसका, बहुत ज्यादा है। मतलब मेरी आठवीं यात्रा है, कभी ऐसा नहीं हुआ है, बट इसमें भी शंकर जी की कोई रजा ही होगी उसके लिए। क्या प्रार्थना करेंगे? सबके लिए, सबकी सुख शांति के लिए, आत्मा के लिए, सबकी शांति के लिए, भोले बाबा सबको शांति दे, आत्मा को, मन को, सबको वास करें। मेरा नाम निहाल सिंह है जी। कहाँ से हैं? लुधियाना पंजाब से आए हूँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, यात्रा दोबारा स्टार्ट हो रही है? देखो ये यात्रा बहुत उत्सव है, बहुत आनंद है और सरकार अपनी तरफ से अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन सबको उनके साथ चलना चाहिए क्योंकि वो परेशानी वही जानते हैं। हमको यहाँ सब कुछ है, लंगर खाने की कोई दिक्कत नहीं है, आनंद है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम गवर्नमेंट का साथ दें और उनके जो उनके दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। आज जो ये प्राकृतिक जो आपदा आई है, भगवान जो भी वहाँ जख्मी हुए हैं या जिन जो लॉस हुआ है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो है यात्रा इसी तरह से बढ़िया तरह से चलती रहे, आनंद पूर्वक सभी लोग यात्रा का आनंद लें, भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहेगी। यहाँ पे आपको कैसी व्यवस्था लगी? सर व्यवस्था बहुत अच्छी है, जम्मू कश्मीर सरकार के हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को? सिक्योरिटी फोर्सेस का काम बहुत अच्छा है, हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं और जो हमसे बनेगा तो हम उनके लिए करेंगे। यहाँ ठहरने की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया लगी हमारे को, अच्छे अच्छे यहाँ के इंतजाम थे सारे, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी हमारे को। जे एंड के टूरिज्म की जो यहाँ व्यवस्था की गई थी यात्रियों के लिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। दो दिन के बाद यात्रा स्टार्ट हुई है, जिस तरह ऊपर बादल फटने से काफ़ी लोग जख्मी हुए, काफ़ी लोग भगवान के प्यारे भी हो गए, क्या कहेंगे? वो प्रकृति है, उसके लिए क्या कह सकते हैं, बाबा भोले की मर्जी है, जिसमें बाबा भोले बर्फानी जैसे चाहे। अब सबके पास बाबा भोले का बुलाव आया है, सब बड़े चाव से तैयारी से बैठे हैं, ऐसी प्रकृति के अंदर इस प्रकार का ये हो गया है, लेकिन फिर भी सब भक्तों के अंदर बहुत ही चाव है जाने का, जय भोले जय भंडारी। सर मुझे बहुत ही बहुत दुख है इस बात का कि कई हमारे यात्री थे उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर हम चाहते हैं हर साल अच्छी यात्रा हो, अभी भी अच्छी होगी, हमें यकीन है, हमें भोले पूरा यकीन है, भोले की वजह से हम यात्रा कर रहे हैं, जय हो भोले की जय। व्यवस्था है यहाँ पे आए हैं बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल साफ सफाई है, कोई गंदगी नहीं है, हर कोई साथ दे रहा है, बहुत अच्छा लगा, खासकर यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया है। मेरा नाम पटेल प्रसाद है, मैं तेलंगाना निजामाबाद जिला से आया हूँ, बहुत बढ़िया। एक दुख है लेकिन यहाँ मिलिट्री व्यवस्था, फौज व्यवस्था कितना ग्रेट है, 48 आवर्स के अंदर उतना बड़ा फ्लड आया तो भी पूरा भर्ती करके परमिशन दिया, हर जगह में लंगर लगा के किसी को खाना नहीं, भी इतना खाना दे रहे, मोदी को प्रणाम करते, इतना व्यवस्था करा, ये पहली बार ये व्यवस्था इतना करा क्या, 48 आवर्स कितना मिलिट्री फोर्स कोई भी देखो दो किधर भी व्यवस्था इतना अच्छा कर रहे, ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम अमरनाथ दर्शन के लिए जाने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, सब टीवी में ऐसा बताया, ऐसा हो रहा
यहाँ कुछ नहीं है, सब व्यवस्था मिल रहा है, सबको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पुलिस व्यवस्था, मिलिट्री फोर्स व्यवस्था बहुत बहुत बढ़िया अच्छा कर रहा है। हमें बहुत उत्साह है और बाबा की कृपा से ही दूसरी यात्रा चालू हुई है, और जब तक बाबा की कृपा है तब तक ये ऐसे कैसे भी बादल फट जाए, लेकिन सनातन धर्मियों की कभी भी यात्रा ना रुकी है ना रुकेगी। जब तक हमारी आखिरी सांस है तब तक हम बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आते रहेंगे। के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी वहाँ पे दफन है या मिसिंग है? हम उनको दफन नहीं बोलते हैं, वो बाबा की शरण में चले गए। कलयुग में कहते हैं भगवान नहीं मिलता है, लेकिन कलयुग में भगवान ऐसे ही मिलता है। उनको जो है वो बाबा ने अपनी शरण में बुला के मुक्ति दी है। उनके घर के लोग अभी दुखी जरूर होंगे, क्योंकि क्या होता है, मनुष्य को शरीर से प्रेम होता है कि वो सामने दिख रहा है, लेकिन जो ये आत्मा जो है नश्वर है, अपने परम पिता के पास में चली गई। किसी चीज़ का डर तो नहीं है आप में? नहीं, कोई डर नहीं है, अपने पिता के पास जा रहे हैं, अपने परमेश्वर के पास जा रहे हैं, डर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। कालों के काल महाकाल। किस तरह की व्यवस्था थी यहाँ पे, आप आए हैं, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे? इस बात के लिए तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आश्रम के लोगों को और कैंट के जो आर्मी के जो जवान हैं हमारे लिए रक्षा के लिए खड़े होते हैं, कि न खाने की से लेके पानी से लेके, और सबसे मेन चीज़ वो लोग हमारी सुरक्षा को लेके इतने ज़्यादा जागरूक हैं कि हम जैसे एंट्री कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि महिलाएँ आ रही हैं, तो महिलाओं को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, सामान ला रही है, क्या ला रही है, इनके संग कोई है कि नहीं है। लोकल पुलिस भी, मतलब यहाँ की जो अभी जो व्यवस्था कर रखी है सबके लिए, अमरनाथ यात्रियों के लिए, उनका तो बहुत अच्छा आभार, और उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.